तू उसे जानता है क्या? उसने तेरा चुम्मा क्यों लिया? एक अंदर की बात बताऊं, मैं उसे इटली से जानता हूं। उसी के लिए यहाँ पर आया हो? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। यानी तुमने उसके भाई को चारा बनाकर इस्तेमाल किया इस घर में घुसने के लिए? क्या दिमाग पाया आपने। मानना पड़ेगा सबको उल्लू बना रहे हो। हाँ। किसी को भी बख्श नहीं रहे हो, है ना? हाँ। इस कुर्सी पर लेटे हुए इंसान को भी नहीं छोड़ा भाई। वाह, इसे कहते हैं भेजा। बंधु, सबको यूज करना है, पर मुझे गरीब को छोड़ देना। शुरुआत आपसे ही की थी। शर्मी से कबूल कर रहा है, मुझे भी बकरा बनाया। जागो सोने वालों, वो उल्लू बना रहा है, तुम बन रहे हो। I love you too. पंचर हो गया भाई। ए, इसे जल्दी से ठीक करा। ठीक है भाई। नमस्कार भैया। आगे तक छोड़ दे। आइए। देवा के आदमी आ रहे हैं, और तेज चलाओ। भगा भगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहां क्या कर रहा है? बाल कटाने गया था। चल, बाल बाल बच गए डूड। अगर पकड़े जाते तो क्या हाल होता? अब अटैक करने की हमारी बारी है ना। मार डालूंगा एक एक को। मैं आपको एक अच्छा आइडिया दूं। वो अब इस इंतजार में होंगे कि आप उन पर कब अटैक करोगे। हम अगर उन पे अगले 50-60 साल तक अटैक ही ना करें तो वो बेचारे डर के मारे वैसे ही मर जाएंगे। कैसा लगा आइडिया? सुपर है ना। ये चक्की तो घड़ी के कांटे की तरह नॉनस्टॉप चलती रहती है। चलेगी तभी तो आटा पीसेगा खाने के लिए। क्या आप लोग दिन भर कोलू के बैल की तरह लगी रहती हैं? बस नॉनस्टॉप 365 दिन चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। अरे कभी कभी आराम भी कर लिया कीजिए। आराम? तूने इस घर के लोगों को देखा है ना, थोड़े में उनका कुछ नहीं होता, हाथी के जैसा खाते हैं। तो इसका मतलब आप जिंदगी भर खून जला जला के खाना पकाती रहेंगी? हाँ। अरे आप सुबह उठ के नाश्ता बनाती हैं और उसके बाद इस टेंशन में लगी रहती है कि लंच में क्या पकाया जाए। चलो लंच पक गया, लंच कर भी लिया, ठीक उसके बाद आप शाम की चाय और पकौड़ों की तैयारी में लग जाती हैं। उसके बाद आप डिनर के लिए सब्जियों से सर फोड़ती हैं। अगले दिन फिर से उठ के वही रोना धोना शुरू हो जाता है। ये भी कोई जिंदगी जी रहे हैं आप? 10 साल पीछे रिवाइंड में जाएंगी तो आपको यही आटा चावल सब्जियां और बर्तन दिखाई देंगे। और करने को है भी क्या? 1 महीने के लिए इस रसोई को ताला लगा दीजिए। और बाहर से खाना पार्सल मंगवाएंगे, है ना? बाहर से खाना मंगाना? मेरा मतलब था कहीं पिकनिक जाते हैं, घूमते फिरते हैं, जिंदगी जीते हैं। बहुत मजा आएगा। पिकनिक? मैं कोई आपसे चांद पर जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ।
शादी के बाद सिर्फ 3 दिन के लिए मैं तिरुपति मंदिर गई थी, तब से यही हूँ। तिरुपति तो गई थी, मैं तो बस 20 साल पहले थिएटर में 20 साल बाद देखने गई थी। बाप रे, इनका तो शहर से बाहर जाना फॉरेन जाने जैसा है। चलो ना माँ। काकी काकी हाँ करो ना, बहुत मजा आएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा बाबा ठीक है, तू जाके अपने चाचा से पूछ ले, जा। ओके। प्रताप जी, जय हम लोगों को लेकर 1 महीने के लिए छुट्टी पर जा रहा है, आप भी हो सकते हैं। बेचारी जानती नहीं है, बकरी बन गई है तभी मैं कर रही है। बीस साल से आप इस कुर्सी पर बैठे बैठे बोर हो गए होंगे ना। चलिए अंकल बाहर चलते हैं और चलकर इस सुंदर दुनिया को देखते हैं। भाई उसे पहले से खबर थी कि आप वहां जाएंगे, इसीलिए उसने आप पर हमला करवाया। चाचा, हर कोई घर पर बैठे बैठे बोर हो गया है, चलिए ना कहीं जाकर पिकनिक मना कर आते हैं। चलिए ना चाचा प्लीज। पागल हो गई है, ऊपर जाना है क्या? पिकनिक जाने का ख्याल अगर दोबारा आया तो टांगे तोड़ के रख दूंगा। चलो अंदर जाओ, अंदर जाओ। देवा के परिवार को हमें जल्द से जल्द खत्म करना होगा, एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए। हम सब दर्शन के लिए शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, वापस आने के बाद बिरजू आपका काम कर देगा। देवा का परिवार शंकर जी के मंदिर के लिए निकल गया है, मौत के घाट उतार दो सबको। भाई हमारे आदमियों ने उन सबको ऊपर पहुंचाने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। बच्चा हो या औरत, ऐसी मौत देना कि चीथड़े भी ना मिले, उनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए, सुन लिया? एक भी। भाई आप चिंता मत करो, उन्हें ऐसी मौत दूंगा कि यमराज भी नहीं पहचान पाएंगे। मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहा, क्या हो गया है उसे? भाई आप चिंता मत करो, बस 2 मिनट दो,
मैं देवा के खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। जल्दी बता, देवा के पूरे परिवार को मार डाला ना, बता, बोल साले, बोल ना। मेरा परिवार ठीक है, के परिवार में यह नया कौन पैदा हो गया? जो भी था भाई, बहुत खतरनाक था। ये भगवान की कृपा है कि हम लोग सही सलामत घर आ गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन राक्षसों से हमें जय के अलावा और कोई नहीं बचा सकता। वो अपने पापों के प्रायश्चित के लिए हमारी नजरों से छुपकर हमारी रक्षा कर रहा है। मैंने आज से पहले मानसा को इतना खुश कभी नहीं देखा। उसकी खुशी की वजह जय है। अगर हम अपनी मानसा की शादी जय से करा दें तो जय के आ जाने से इस घर में कितनी खुशियां आ गई है ना। अगर हम अपनी मानसी की शादी उससे करवा दे तो। हाँ पिताजी, मानसा के लिए जैसे बेहतर लड़का नहीं मिल सकता। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि जब तुम पास होते हो तो मैं बहुत खुश होती हूँ। यू मेड माई लाइफ, आई लव यू जय। मानसा, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। तुम्हारे साथ साथ मैं इस परिवार के लोगों को भी खुश देखना चाहता हूँ। तुम जानती हो मैं कौन हूं? ये परिवार पड़ोस के गांव के जिस देवा को मार डालना चाहता है, मैं उसी देवा का बेटा हूं। तुम जिस जय को देख रही हो वो कोई दूसरा जय है, पुराने जय से बिल्कुल अलग। वो जय तो कब का मर चुका, उसकी तो दुनिया ही अलग थी। वहाँ फूल थोड़े कम लग रहे हैं। अनीता, यस मैम, वहाँ थोड़े और फूल लगा दो, गुलाब होंगे तो अच्छे लगेंगे। ओके मैम। Okay,
यस मैम। एंट्रेंस को जरा फिर से चेक कर लेना। जी मैम, ट्यूलिप्स अभी तक नहीं आए। वो जय लेके आएगा। ओके मैम। पता नहीं तुम कब सुधरोगे, फूल लाने में इतनी देर क्यों कर दी? मॉम, गुलाब और मोगरे के फूल तो हर जगह मिल जाते हैं, ट्यूलिप्स को ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। बस करो, बहाने बनाना बंद करो। अनीता, इन ट्यूलिप्स को लगा दो। ओके मैम। हाय जय। हाय 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 गर्ल्स। व्हाइट शर्ट में एकदम हीरो लग रहे हो। मैडम, वहाँ कुछ भीड़ ज्यादा ही है। कंस्ट्रक्शन साइट जो है वो बहुत बड़ी है। जय, इधर आओ। Excuse me. इस तरह के फंक्शन में लाने से तुम्हें डर लगता है? मॉम, मेरा हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो ताकि तुम फिर से वहीं जाके खड़े हो जाओ। अभी क्या कर रही हूँ, मैं एक छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। शादी मुबारक। थैंक यू वेरी मच। खाना खा लीजिए। आइए, ठीक है, ऐसा रख बेटा। मॉम, ये दूल्हे का बाप कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा? चुप। ये साफ कर देता हूँ। आई एम सेफ, मेरे साथ ऐसा करने वाला कोई नहीं है। I am safe. मेरे साथ ऐसा करने वाला कोई नहीं। मॉम, आप ठीक हैं? मुझसे गलती हो गई। मुझे तुमसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था कि तुम्हारे पापा अभी जिंदा हैं। जब तुम्हारी उम्र 2 साल की थी तब मैं और तुम्हारे पापा मुंबई में रहा करते थे। दिवाली की छुट्टियों में हम तीनों पापा के गांव गए। उस वक्त दोनों पड़ोसी गांव के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। सारा इलाका एक जीता जागता नर्क था। तुम्हारे दादा को हमारी आंखों के सामने बेरहमी से मार दिया गया। भैया, हमने उनमें से सिर्फ एक को धरा है, बाकी साले बच के भाग निकले। अगर उस परिवार का एक भी इंसान जिंदा रहा तो वो हमसे बदला लेगा। हम चैन से तभी जी पाएंगे जब उन्हें खत्म कर देंगे। आप बस हाँ कहिए। मौत मेरे बाबा की हुई है, तुम क्यों बदला लेना चाहते हो? आज हम उन्हें मारेंगे तो कल वो हमें मारेंगे। आखिर में बचेगा क्या? सारा इलाका एक कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा, जहां इंसान नहीं सिर्फ लाशें होंगी। वो हमारी तरह कभी नहीं सोचेंगे। हम दोनों में से किसी एक की सोच को तो बदलना ही होगा। मालिक, हमारा परिवार आपके भरोसे जिंदा है। आपको कुछ हो गया तो? तुम्हारा परिवार तुम्हारे भरोसे है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? आज के बाद अगर मुझे पता चला कि तुम में से किसी ने भी उस गांव के लोगों पर हमला किया तो एक बात याद रखना कि उसके खानदान में एक भी जिंदा नहीं बचेगा। अब जाओ। सुनिए, अब हम चलें। कहाँ चलें? वापस अपने घर। इन हालात में सबको छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? तुम तो जानती हो ये लोग जानवरों जैसा बर्ताव करते हैं। जैसे ही मैं यहां से जाऊंगा ये लोग खून की नदियां बहाएंगे। यहां रहकर ही मैं इन लोगों को रोक सकता हूं, इन्हें बदल सकता हूं। मुझे इसी बात का डर है। दिन रात इन जानवरों के साथ रहकर तुम भी ऐसे ही बन जाओगे। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उन पर नहीं है। इन लोगों को ऐसे छोड़कर मैं नहीं जा सकता। तो ठीक है, मुझे ही जाना होगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है, इस गांव के लोग चाहिए या अपना परिवार। तुम्हारी भाभी जाना चाहती है, इन्हें संभाल कर ले जाना।
उस दिन से मैं तुम्हारे पापा और उस गांव से बहुत दूर हो गई। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उस गांव का साया तुम्हारे ऊपर पड़े। उन्होंने गांव वालों के लिए मुझे छोड़ा, तुमसे मिलने की भी कोशिश नहीं की। उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया। तुम्हारे पापा महान हैं। मैं उन्हें एक बार देखना चाहता हूं। सालों से तुझे सजाते सजाते मैं भी बुढ़ा गई हूँ। पता नहीं कब कोई लड़का तुझे पसंद करेगा। वो लड़का बहुत तकदीर वाला होगा जिसकी शादी वीना से होगी। जबान चलाना बंद कर। जमाना बदल गया है लेकिन ये लोग नहीं बदलने वाले। बस एक बार मैं खुद लड़का ढूंढ लूं, फिर देखना कैसे लड़कों की माएं मेरे पीछे पीछे घूमेंगी। तेरे इस पागलपन की वजह से कोई घर तक आता ही नहीं। पता नहीं उन्हें कौन भगा देता है। पागल मैं नहीं, वो है। मुझे ना कह गया। दीदी पहले चाल चलो। ए चल निकल, चल फुटना। तू औरत ही नहीं है इसीलिए शादी से डरती है। क्या कहा? मैं तो पैदा ही शादी करने के लिए हुई हूँ। वो क्या है ना, मेरी किस्मत में कोई राजकुमार है। इधर आ। क्या हुआ? मैं हीरो दिख रहा हूँ ना? जोकर दिख रहा हूँ। देख सच बोल। वैसे कभी कभी हीरो लगते हो। देखा, सच्चाई कभी नहीं छुपती। ये बिना चॉकलेट के नहीं बोल सकता था। अरे कोई काम धंधा नहीं है क्या? आज वीना बिटिया को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पता है, लड़का वीना को देखते ही फौरन रिजेक्ट कर देगा। फिर वीना मुझसे रिक्वेस्ट करेगी कि मुझसे शादी कर लो। फिर मुझे मजबूरन उसी से शादी करनी पड़ेगी। वो कुंवारी रह जाएगी पर तुमसे शादी नहीं करेगी। बेटा ऐसा कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तो तुझे शादी करनी है। अब इस लड़के को ना मत कहना। मैं आपकी बात समझ रही हूँ माँ। मैं मंदिर जाकर प्रार्थना करूंगी कि आज मेरा रिश्ता पक्का हो ही जाए। किसी ने हमें साथ देख लिया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। छोड़ ना यार, अगर कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि तू मेरा नौकर है। अच्छा सुन, वैसे तो किसी काम का है नहीं पर मेरा काम कर दे। इसने तो मछलियों की जगह रामू बना के रख दिया। सुन कल्लू, तुझे याद तो है ना कि तुझे क्या कहना है? अरे अब तो बाएं हाथ हो गया है, यही तो बोलना है कि 8 महीने बाद तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी। उसके बाद कहूँगा तुम मेरे प्यार में पागल। पहले 4 लड़कों को भूल गया, तेरी शक्ल देखकर मान नहीं रहे थे। कितनी मुश्किल से उन्हें भगाया, देसी घी के बने लड्डू खा गए। अरे जा, वो आ गया। रुकना, लड़का कितना हैंडसम है, इसे घर आने देते हैं। मैं जाकर हाँ कह दूंगी। कुछ ऐसा बोल के घर आकर फटक से हाँ कह दे प्लीज। भाई साहब, देवा के घर जा रहे हो? हाँ। ये वही लड़की है जिसे देखने जा रहे हो? लेकिन ये मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर मेरी शादी इससे नहीं हुई तो हम दोनों मर जाएंगे। अगर तुम यहाँ से चले गए तो हमारे बच्चे तुम्हें मामा बोलेंगे। देवा के घर लड़की देखने जा रहे हो? हाँ। वैसे तुमसे मिलने के लिए लड़की यहाँ आ गई है। हेलो, वैसे ये यहाँ क्यों आ गई? घर पर आराम से मिलते। ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। अगर तुम यहाँ से वापस चले जाओ तो इनकी शादी हो जाएगी। बस यही बोलने के लिए यहाँ आए। ये भी हाथ से गई? हाँ हाँ, जानता हूँ लड़की काफी सुंदर है, ना बोलना मुश्किल। लेकिन तुम्हारे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। हैप्पी? बहुत ज्यादा। कौन हो तुम? मैं देवा का बेटा हूं। भैया
दीदी हमारा जय। बेटा आखिर तुम अपने घर आ ही गए। मम्मी नहीं आई? उन्हें कुछ काम था इसलिए नहीं आ पाई।